हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन के बारे में। तो सनस्क्रीन गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा स्किन केयर रूटीन का। सनस्क्रीन लगाना इज़ अ मस्ट बी इट डे और नाइट। सनस्क्रीन ना लगाने से गाइस आप नोटिस करोगे आपकी स्किन बहुत टैन हो जाती है, सनबर्न हो जाता है एंड रिंकल्स आने लगते हैं, बहुत जल्दी स्किन एज करने लगती है, इससे पहले पिगमेंटेशन हो जाते हैं, मार्क्स हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं। तो सनस्क्रीन एक ओवरऑल ऐसा एक प्रोडक्ट होता है जो आपके सारे जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करता है। ऑल्सो गाइज, लॉन्ग टर्म अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो वर्स्ट सिचुएशन में स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट इफ़ यू वॉन्ट योर स्किन टू रिमेन हेल्दी एंड यंग, एंड आप जो भी बाकी स्किन के रूटीन कर लो, सीरम्स लगा लो, फेस वॉश, स्क्रब्स, बट सनस्क्रीन एक अलग चीज़ है जो आपको लगानी ही लगानी है। यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते हो। सो यू हैव टू गेट अ वेरी गुड सनस्क्रीन जो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग आवर्स के लिए आपकी स्किन का टेक केयर करे, प्लस SPF हाई हो, बिकॉज नहीं तो और ज़्यादा जल्दी आपको लगाना पड़ेगा। सो वी गोना टॉक अबाउट शीक न्यूट्रिक्स टुडे। सो गाइज, इट इज़ लाइट वेट सनस्क्रीन, इज सन ब्लॉक एंड इट हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA प्लस UVB प्रोटेक्शन। सो इट क्लेम्स इट लीव्स नो वाइट कास्ट, इज एंटी एजिंग, हाइड्रेटिंग। इट ऑल्सो हैज़ नाइसिनमाइड एंड एडिसनाइन। सो गाइज, इट्स ऑल्सो सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। नाइसिनमाइड काम्स डाउन योर इरीटेटेड स्किन एंड इट मेक्स श्योर दैट योर स्किन इज हाइड्रेटेड। ऑल्सो दूसरा इसका इन्ग्रीडियंट है एडिसनाइन। वो एडिसनाइन क्या करता है गाइज, आपकी जो रिंकल्स फॉर्मेशन होते हैं उसको स्लो डाउन करता है, जो सन से एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है उसको भी कंट्रोल करता है। सो बेसिकली ये दो इंग्रेडिएंट्स सनस्क्रीन में एडेड हैं, सो इट्स गोइंग टू गिव यू मोर बेनिफिट्स। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी एंड ये जो क्लेम करता है गाइस वो करता है। आई बीन यूजिंग इट सिंस क्वाइट अ वाइल नाउ एंड मुझे सनस्क्रीन काफ़ी अच्छा लगा, सो आई थॉट इसका रिव्यू बनाना चाहिए। एंड सीरियसली गाइज, इट्स वेरी वेरी थिन, इट जस्ट गोज इन टू योर स्किन, आराम से चला जाता है, हाइड्रेटिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट भी देता है ये। दूसरी चीज़ क्या है गाइज, अगर आपकी स्किन ऑयली है, पिम्पल प्रोन है, मेरी स्किन में जो पिम्पल्स थे मैं तब भी यूज़ करा है इसको, तो अगर आपकी स्किन पिम्पल प्रोन है, सेंसिटिव है, ऑयली है या ड्राई है, इट्स गोइंग टू सूट ऑल द स्किन टाइप्स। बिल्कुल भी चिपचिप फील नहीं होता है, हाइड्रेट करता है, तो आपके अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ड्राई भी फील नहीं होगा एंड बिल्कुल फेस पे पता नहीं चलता है कि कुछ लगाया हुआ है एंड ग्लो भी आता है। सो आई नोटिस द ग्लो ऑल्सो आफ्टर अप्लाइंग इट। बहुत अच्छा ऐसा कंसिस्टेंसी है गाइज। इफ़ यू लुकिंग फॉर अ वेरी लाइट सनस्क्रीन विच गिव्स यू एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ सन प्रोटेक्शन, देन आई थिंक यू मस्ट ट्राई दिस वन। ऑल्सो इट्स वेरी स्मॉल एंड हैंडी, यू कैन आराम से कैरी इट एनीवेयर। As you can see, my face is glowing so much after applying the sunscreen. There is no white cast, but there's a very beautiful glow. You can just head out like this, apply a blush or a lipstick and just you're done. So aapko face pe zyada kuch karne ki zarurat bhi nahi padegi. Iska glow to mujhe bahut hi acha lagta hai and I feel it's really going to change your skin because it gives so many different benefits in one sunscreen. You don't have to apply too many products and that's the best part about this. And sun rays, aapko pata hai guys kitne zyada harmful hote hain, to ek acha sunscreen hame lena achhi quality ka bahut zaruri hai. And guys, now Chic Nutrix is also making Korean products. They are getting products made in Korea for the Indian skin, so I think that is superb and we're gonna get all benefits from the Koreans because unki skin aap sabko pata hai kitni zyada clean and young lagti hai and glass skin hoti hai, jo hum log sab chahte hain hamari skin waisi ho. So definitely check this brand out. They are starting out with their Korean products and this one is one of them. Iske link aapko description box mein mil jayenge with the coupon code. Do definitely check it out, you will love it. So that's it guys, I hope you found this video helpful. If you did, please like and subscribe to my channel. Bye for now.